बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, बिहार की तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1971 के अंडर जो है इसको चलाई जाती है। पिछले 3 से 4 सालों से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि तमाम विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है उसमें बदलाव किए जाए, नई चीज़ें जो है अपडेट की जाए, और ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो लगभग तमाम यूनिवर्सिटी में एक समान हो। ये गवर्नर ऑफिस से, राजभवन से जो है इसको रेगुलेट किया जाए और राजभवन से सिलेबस तैयार करके तमाम विश्वविद्यालय को दिया जाए। साथ ही एक सवाल ये भी हमेशा से आता रहा है कि CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाए, और जिस तरीके से PG, MA, MSc, MCom बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में जो अभी सेमेस्टर वाइज चलता है, 2 साल का ये कोर्स होता है और हर 6 महीने पर एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। PG में टोटल 4 एग्ज़ाम होते हैं 2 साल में। सेम वही रेगुलेशन जो स्नातक में जो है, जैसे Part 1, Part 2, Part 3, हर 1 साल में एक परीक्षा होती है तमाम विश्वविद्यालय में, ऐसा सिस्टम तमाम विश्वविद्यालय में बिहार के जो है लागू की जाए, और इसको लेकर के हर साल या हम कहें तो 6 महीने या 4 महीने में कोई ना कोई अपडेट जो है राजभवन से या किसी न किसी तरीके का जो है मीटिंग वहाँ पर की जाती है। लेकिन ये मीटिंग अभी हो पा रही है और हर साल एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस साल से जो इसे लागू किया जाएगा, लेकिन ये लागू हो नहीं पाता है। फिर से जो पिछले महीने मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तमाम विश्वविद्यालय में लागू कर दिया जाए। उसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय को कहा गया है कि जो तमाम परीक्षाएँ हैं 19 से 22 के Part 3 हो या 20 से 23 के Part 2 हो या 21 से 24 के Part 1 हो, उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। मतलब कि जून 2023 तक आपको जो है तमाम पेंडिंग परीक्षाएं जो वह क्लियर कर लेनी है। ये तमाम विश्वविद्यालय के लिए कहा गया है, लेकिन ये संभव नहीं है कि जून 2023 तक। हाँ, बिहार विश्वविद्यालय सुधार ले अलग बात है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय से भी गई गुजरी कई विश्वविद्यालय हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो JP यूनिवर्सिटी और अभी जो हालात है मगध यूनिवर्सिटी का भी सेम हालत है। 20 से 23 के Part 1 का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर अभी चल रहा है, जैसे कि जानकारी मिली है। हालांकि बिहार विश्वविद्यालय 20 से 23 के Part 1 के रिजल्ट को देने में लगी हुई है, अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा। तो सिर्फ बिहार विश्वविद्यालय नहीं, कई ऐसे विश्वविद्यालय है जहां पर जो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है उनसे भी बदतर हालत है। इसको लेकर के पेंडिंग रिजल्ट क्लियर करने और एग्ज़ाम जल्द जल्द करवाने के लेकर के विश्वविद्यालय ने 19 से 22 के Part 2 रिजल्ट के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर की है, आप देखेंगे। तो ये आज के प्रभात खबर की रिपोर्ट है और यहाँ पर अखबार ने यह प्रिंट किया है कि परीक्षा नियंत्रक बिहार यूनिवर्सिटी के संजय कुमार जी ने बताया है कि अभी द्वितीय वर्ष 19 से 22 की परीक्षा हुई है, मूल्यांकन करा करके अगले महीने रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी इस रिपोर्ट की माने तो सितम्बर के महीने में Part 2 का रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिवर्सिटी कितना भी जल्दी करे रिजल्ट देने में 19 से 22 के Part 2 का, तो सितंबर नहीं अक्टूबर जाएगी। अब देख पा रहे हैं मूल्यांकन करा करके अगले महीने रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद से अक्टूबर नवंबर तक तृतीय वर्ष की परीक्षा ले ली जाएगी। मतलब कि अक्टूबर नवंबर तक कहा जा रहा है कि 19 से 22 के Part 3 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 से 23 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी जल्द करानी है। वहीं PG के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर कहें तो 20 से 23 के Part 1 का रिजल्ट जो है वह अगले महीने जारी किया जा सकता है। अगले महीने 19 से 22 के Part 2 का रिजल्ट जारी करना यह संभव नहीं होगा। 21 से 24 का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी चाहे तो अगले महीने ले सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी इस पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। 21 से 24 के तमाम छात्र छात्राएं आप लोग गेस्ट पेपर पढ़िए, तैयारी कीजिए। आपको अगले 1-1.5 महीने में हो सकता है कि यदि ये दोनों एग्ज़ाम जो अभी हुई है इसके रिजल्ट देने में देरी हो और इनके अगले एग्ज़ाम लेने में देरी हो, तो 21 से 24 के Part 1 का एग्ज़ाम जो है पहले लिया जा सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। अच्छा, यदि ये ख्याल आए कि क्या ये संभव है, हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें पहले करनी पड़ेगी। एक चीज़ सरकार को और दूसरी चीज़ होगा तमाम विश्वविद्यालय को। सरकार को ये चीज़ करनी होगी कि जितने भी विश्वविद्यालय बिहार में है और जहाँ पर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो कमी है, काफ़ी मात्रा में कमी है, वहाँ पर पहले बहाल किया जाए। बहाल करने के बाद जो है उसके बाद तमाम विश्वविद्यालय को यह फोर्स किया जाए कि जितने भी सेशन जो है कि बेपटरी पर है उसको पटरी पर लाई जाए। पटरी पर आने के बाद ही जो है ये CBCS लागू हो पाएगा, क्योंकि आप एक साल में एग्ज़ाम लेते हैं तो एक साल में एग्ज़ाम लेते हैं तमाम विश्वविद्यालय, एक आध दो को हम छोड़ दे तो एक साल में एग्ज़ाम लेने में आपको इतना वक्त लग जाता है, 4-4 महीने आप लोग रिजल्ट देने में लगा देते हैं।
यदि आप लोगों को 6 महीने में एग्ज़ाम लेना पड़े स्नातक, जो लगभग मान लीजिए कि बिहार विश्वविद्यालय में ही 1.25 लाख सीट पर एडमिशन होता है, और मोटा मोटी मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे का ही अगर हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम लेना पड़े, तो एग्ज़ाम लेना और रिजल्ट देना अभी विश्वविद्यालय के लिए कितना भारी हो सकता है। तो थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार को ये चीज़ें और ये सिस्टम राजभवन को लागू करने से पहले 2 चीज़ों पर काम करना चाहिए कि जो भी सीट वैकेंट है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए, उसको फुलफिल किया जाए। उसके साथ ये कहा जाए कि आप लोग जो है तमाम विश्वविद्यालय को कि सेशन टाइम पर लाइए, उसके बाद ये CBCS लागू करें राजभवन, तब जा कर के ये कारगर होगा, नहीं तो ये अखबार में ही रह जाएगी। तो क्या है ये आप लोग का इस पर स्टेटमेंट, या क्या ये संभव है, किस तरीके से संभव है, आप लोग भी अपनी जो है राय कॉमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं आज जो है रिजल्ट और एग्ज़ाम के बारे में जो जानकारी दी गई थी, मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।